गांव में क्या घटना हुई थी, कैसे इस व्यक्ति की मौत हुई? ये जो संदीप, जो मृतक संदीप है, ये पेंशन के लिए परेशान था क्योंकि पेंशन बन जाती थे, बेरोजगार था ये। इसके माँ बाप है नहीं, माँ बाप गुजर गए थे, तो मैंने बहुत सारी सुना है। तो इसको पता लगा प्रधान के पास सेक्रेटरी आया हुआ, तो इस प्रधान के भैया पे गया, तो प्रधान बोले चल रहे बाबा ये रोज परेशान करता है, ये दोबारा फिर भगा दिया। फिर दोबारा जो अंदर पहुंचा तो प्रधान कहने लगा मेरे लड़के से इसको मार डाले, तो इसका लड़के ने उसके साथ प्रधान ने इसको मारपीट इतनी करी उसके साथ, ऑन द स्पॉट वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद ये इसको लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, यहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप ले जाओ, आप लोग वालों ने भी उसको रेफर कर दिया कि भैया मेरठ ले जाओ। मेरठ जो है रात ग्यारह के आस पास उसने बेचारे ने दम तोड़ दिया। किस चीज़ की पेंशन बनवाई प्रधान? ये बेरोजगारी के, बेरोजगार था बेचारे के पास, कोई रोजगार नहीं था, कोई ऐसा काम नहीं था कि भाई वो अपना पेट पाल सके। कौन कौन है इसके परिवार में? केवल अकेला भाई ये अकेला रहता है यहाँ पे, इसके माँ बाप पहले ही गुजर गए थे बहुत समय पहले ही, और दो बहनें हैं वो उसमें शादी शुदा है। वर्तमान प्रधान है, क्या नाम है इनका? वर्तमान प्रधान का नाम राजिंदर है। इन्होंने मारपीट की थी? इसी ने मारपीट, इसने और इसके लड़के दोनों ने मारपीट की इसके साथ। पुलिस आई थी? पुलिस आई अभी थोड़ी देर पहले आई थी पुलिस, इसके घर वाली को लेकर प्रधान तो बुला रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सर। देवेंद्र जी बताइए गाँव में क्या हुआ, कैसे इस व्यक्ति की मौत हुई? क्या करता था काम? कुछ नहीं, बेरोजगार था। बेरोजगार था?